लाल लंगोटा हदी बड़ा निमुख में ना गरी पाने लंका में वानरी चले श्री अंजनी सुते अंजनी सुते अंजनी सुते हनुमान। तो बिल्कुल सभी को आनंद लेना और बालाजी की भक्ति में ए थारी जय हो थारी जय हो थारी जय हो जय हो थारी जय हो जय हो थारी जय हो पवन कुमार। तालियां बजाएं एक बार जोरदार। एक तरफ हनुमान जी हैं और एक तरफ राम की वानर सेना भी है, वो थोड़ी देर बाद ऊपर आएगी, तब तक के लिए आप सभी लोग आनंद लें। ए थारी जय हो थारी जय हो पवन कुमार बजरंगी पाला जय बजरंगी बालाजी।
दे मारा बालाजी घमड़ घमड़ घोटो, घुमा दे मारा बालाजी घमड़ घमड़ घोटो। दिखे हनुमान जी महाराज रे हाथ में कहीं है, कहीं है ओके वास्ते है, कोई सीधो रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो हाँ सही बोल रहे हो। एक बार दोनों हाथ उठा के ताली के साथ में, सबने गाया था और मैं चाहता हूँ आज भी गाएं। हो राम आएंगे तो अंगीना सजाएंगे, हो राम आएंगे तो अंगीना सजाएंगे। ये तो हमने पहले गा दिया, ये तो हमने पहले गा दिया है, अब सबको क्या गाना है, मेरे साथ में गाना। हो राम आए तो अंगीना सजाया है, हो राम। देखिए ये लोग गा रहे हैं, आप लोग गा रहे हैं, मैं निवेदन करता हूँ सबको गाना है जिनके जिनके राम आए। एक बार दोनों हाथ उठा के, हो राम आए तो अंगीना सजाया है, हो राम आए हैं तो अंगीना सजाया है, वो दीप जला के दिवाली को मनाया है, वो दीप जला के वो दिवाली मनाया है। और उससे क्या हुआ, मेरी जिंदगी के, मेरी जिंदगी के बालाजी, वो मेरी जिंदगी के सारे पाप भूल गए हैं, राम आए हैं। जैसा परोसोगे वैसा आदमी खाएगा। मैं चाह रहा हूं कि हमको ये कीर्तन मिला है, बड़े सौभाग्य से मिला है, तो सबको राम का गुणगान करना चाहिए मेरे साथ में, क्योंकि हनुमान जी महाराज प्रश्न होते हैं भगवान श्री राम के गुणगान से। मैं चाहता हूं इस पांडाल में जितने भी लोग बैठे हैं जिनको राम का नाम काम का है, क्योंकि जो राम का है वो काम का है, काम का है। और वो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं, नहीं मानते हैं। तो एक बार सीधे हाथ दोनों खोल के, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीति बिहारी। बस होगी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम, हो राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। थोड़ा थोड़ा बोलो भाया, राम 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 सिया राम, राम सिया राम ये दृश्य जो आपके बीच में
हनुमान जी महाराज की इस वेशभूषा में जो कलाकार है जो प्रस्तुत कर रहा है, ये रामायण का वो दृश्य है जिस समय भगवान श्री राम अपनी पूरी वानर सेना के साथ में रावण से युद्ध करने के लिए लंका गए, और लंका में जब मेघनाथ का शक्ति बाण लक्ष्मण जी को लग गया, लक्ष्मण जी को मूर्छा छा गई, तो सुसेन वेद जी को बुलाया गया और सुसेन वेद जी ने कहा कि प्रभात वेला में सूर्य उदय से पहले यदि कोई द्रोणागिरी पर्वत जाकर संजीवनी बूटी लाएगा तो ही लक्ष्मण जी के प्राण बच पाएंगे। भगवान चाहते तो खुद कर सकते थे, लेकिन भगवान ने हमेशा अपने भक्त को बड़ा बनाया, और इस कलयुग में भी एक भक्त को बड़ा बनाया है, ध्यान देना, इस कलयुग में भी एक भक्त को बड़ा बनाया है। हालांकि हनुमान जी महाराज अजर अमर है, आज भी है, उनका आशीर्वाद हमको मिलता है। तो कवि ने क्या लिखा, हनुमान जी महाराज ने कहा ये काम मैं करूंगा, हनुमान जी महाराज उड़ चले। आ लौट के आजा रोक लिया, लेकिन जब हनुमान जी को समझ में आया तो वहां से वो फिर चले गए। द्रोणागिरी पर्वत जाकर देखा तो जैसी सुसेन वेद जी ने बताई थी बूटी, मायावी विद्या के कारण हर वृक्ष के नीचे दीपक जल रहे थे, सब प्रकाशमान था। अब इधर भगवान अपनी सेना के साथ में बड़े व्याकुल, कवि ने लिखा लेके पूरा पर्वत ही उठा लिया। बोले जय जय श्री राम, जय जय
महाराज आकाश मार्ग से वापस लंका की ओर जा रहे। इधर भरत जी, भरत जी देखिए दुनिया में भाई कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, भाई भरत सा होना चाहिए। क्योंकि दुनिया में दो भाई आपस में एक दो फीट जमीन की नहीं लड़ जाते, दो फीट जमीन हैं। एक तरफ भरत जी के पास में पूरा अयोध्या नगरी का राजा था, राज था, लेकिन उन्होंने कभी राजा बनना स्वीकार नहीं किया, नहीं किया। क्योंकि बने राजा बनेंगे तो भगवान श्री राम बनेंगे, ऐसा भाई था। तो दुनिया में भरत जी ने एक बाण लगाया, भरत जी ने एक बाण लगाया और हनुमान जी सीधे नीचे राम। हनुमान जी ने कहा राम, क्योंकि भरत जी के मन में संदेह था कि हो ना हो कोई राक्षसी विद्या हो और पूरा पर्वत हमारी सेना पर लाकर डाल दे, लेकिन ऐसा नहीं था। अब हनुमान ने कहा कि मुझे लेट हो जाएगा, सूर्य उदय से पहले जाना है। तो भरत जी ने क्या कहा, आओ और एक मिनट के लिए मेरी बाण पर बैठो, हाथों हाथ आपको लंका पहुंचा देता हूं। ऐसे थे भाई भरत जी। और अंत समय प्रभात होने की थी और हनुमान जी महाराज सेना में आए। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इस दृश्य के लिए। समय की मर्यादा है, हमको मुख्य जो प्रोजेक्ट है वो पूरा करना है। अंतिम पंक्ति गा रहा हूं और जितने लोग बैठे हैं वो आनंद लीजिएगा। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। अति बलवाना वीर हनुमाना, अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। एक बार बोल दीजिए, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, बोले जय जय श्री राम। धन्यवाद। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करें।